Hello friends, welcome to our YouTube channel Knowledge Info. Hello friends, welcome to our YouTube channel Knowledge Info. आज हम बात करने वाले हैं कानपुर में झकरकटी बस स्टेशन के पुल निर्माण यानी कि पुल कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि पुल कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो इसके बारे में आपको साफ साफ दिखा रहे हैं हम बिल्कुल लाइव कि यहाँ पे जो है पुल का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो यहाँ पे वर्किंग चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो झकरकटी में टू वे पुल के होने से यानी कि आने और जाने अलग अलग पुल के होने से जो है जो सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन में जो जाम लगता है जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं बसेस को निकलने में और अदर व्हीकल्स को निकलने में वो प्रॉब्लम जो है बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जिस प्रकार से पुल का निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उस निर्माण कार्य के चलते कि 2020 में ही लगता है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और जो है टू वे पुल झकरकटी कानपुर बस स्टेशन पे जो है के पास स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे इसके होने से सबसे अच्छी बात यह है कि कानपुर बस स्टेशन में कानपुर बस स्टेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी और उनिंदा हो जाएगी और जो यातायात के क्षेत्र में जो दिक्कत होती है परेशानी होती है वो ये परेशानी जो है इस पुल के कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट होते ही ये दिक्कत जो है परेशानी नहीं हो पाएगी। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कानपुर का हमारा झकरकटी का बस स्टेशन है जो कानपुर सिटी इस कानपुर ग्रीन स्मार्ट सिटी का जो नंबर वन का जो बस स्टेशन है उस बस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है वर्किंग पे है और ये जल्द कम्प्लीट हो सकता है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो कानपुर झकरकटी बस स्टेशन का जो टू वे पुल है उसका जो है वर्क चल रहा है यानी जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो काफ़ी तेजी से चल रहा है। आदमी यहाँ पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है पुल कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए वो सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे जो वर्किंग है वो काफ़ी वो चल रही है और टू वे पुल के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ये सारी प्रोडक्ट होने के लिए होता है यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो एक्सपोर्टेशन की जा रही है 2020 से ये जो है निर्माण पुल बढ़ करके तैयार हो जाएगा जिसकी वजह से जो जाम लगता था वो जाम नहीं लग सकेगा। आप साथ देख रहे हैं राइट साइड वाला पुल जो है मेरे सारे ट्रैफिक है ये एक तरफ आने का हो जाएगा और एक तरफ जाने का हो जाएगा। तो ये फायदा मिलेगा जो है पुल होने से कानपुर स्मार्ट सिटी में झकरकटी बस स्टेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस नोटिफिकेशन से जुड़ा प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इंप्रूवमेंट। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो।